अब दोस्तों हमारे पास ना एक प्रोजेक्ट आया था अल्ट्रेशन के लिए कि उनकी बेसिकली रिक्वायरमेंट थी कुछ जिसको कि एग्जिस्टिंग जो उनका प्लान था उसमें हम क्या क्या अल्ट्रेशन कर सकते हैं और वो हमें प्लानिंग के थ्रू बताना था। कुछ वास्तु की चीजें थी जिसको कि कंसर्न था उसको ध्यान में रखते हुए, तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि उनका जो प्लान था वो किस तरीके से बना हुआ था, फिर मैं दिखाता हूँ कि उस पर प्लानिंग हमने किस तरीके से करी। तो बिना किसी तरीके चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जैसे कि स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं एंट्रेंस के बारे में। तो आप जैसे कि देख रहे हैं कि ये यहाँ से जो है एंट्रेंस हो गई, तो ये वाला स्पेस जो ड्राइंग रूम था। अभी बेसिकली मैं उसी स्पेस के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि इनका ऑलरेडी था। यहाँ पर विंडो आ गई, फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ से डोर था कि बाहर से जो है एंट्रेंस हो जाए। ये बेसिकली फर्स्ट फ्लोर का प्लान था, तो फर्स्ट फ्लोर के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। फिर उसके बाद अंदर जाते ही इधर वाला पोर्शन में थी इनकी यहाँ पर किचन, तो ये इनकी किचन आ गई। फिर अगर हम बात करें डायरेक्शन की, तो ये जो थी इनकी डायरेक्शन, ये थी नॉर्थ ईस्ट, ये हो गई इनकी ईस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ और ये वेस्ट, ये इस तरीके से इनकी डायरेक्शन। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो किचन इनकी नॉर्थ ही डायरेक्शन में आ रहे थे, जो कि टेक्निकली गलत ही है। फिर उसके बाद हम बात करें टॉयलेट की, तो ये इनका एक टॉयलेट आ रखा था यहाँ पर, और ये बेसिकली इनका काइंड ऑफ जो टॉयलेट था ना, ये इनका कॉमन टॉयलेट था, इसका रास्ता बाहर से था। फिर पीछे की साइड में भी ये जो आप देखेंगे तो ये भी इनका जो है एक टॉयलेट था जो कि इस रूम के साथ में अटैच था। साइजेस इसमें मेंशन हो रहे हैं, लेकिन साइजेस को भी आप इग्नोर करो, सिर्फ आप ये देखो कि प्लेसमेंट किस तरीके से हमने इसको चेंज करा। तो अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर जो कॉमन टॉयलेट आ रहा है, एक तो वास्तु के हिसाब से गलत हो गया, दूसरा आप देख रहे हैं लंबा का लंबा एक गैलरी टाइप का इफेक्ट यहाँ पर क्रिएट कर रहा है। और फिर अंदर जाकर के इस पीस, मतलब पूरा रूम इतना बड़ा है लेकिन इस तरीके से आने की वजह से यहाँ पर जो रूम है ये प्रॉपर तरीके से इसकी निकल के नहीं आ पा रहा। फिर उसके बाद ये किचन भी गलत आ गई, ये ड्राइंग रूम हो गया है, ठीक है। अब वैसे भी आजकल के ट्रेंड में ना क्या है कि अलग से ड्राइंग रूम का रूम देने का इतना कल्चर है नहीं, मतलब आजकल का क्या है कि लॉबी कम ड्राइंग रूम, अगर आपका स्पेस कम है तो लॉबी कम ड्राइंग रूम रखिए, क्योंकि आजकल गेस्ट ज्यादा आते हैं, जो आते हैं वो घर से रिलेटेड ही होते हैं, तो अलग से ड्राइंग रूम बनाने की जरूरत ही। हाँ, अगर आप कोई ऐसे प्रोफेशन में कि आपके बहुत ज्यादा ऐसे फ्रीक्वेंटली गेस्ट आते हैं जिनको कि और घरों से जिनका कोई मतलब नहीं है, उनको कनेक्शन बना के रखना है, तो फिर आपकी पर्सनल रिक्वायरमेंट है, तो उसके हिसाब से फिर आप दे सकते हैं। तो ये पूरा सिनेरियो समझा दिया, अब मैं लेके चलता हूँ उस प्लान की तरफ जो कि हमने अल्ट्रेशन करके निकाला। तो स्टार्ट करते हैं एंट्रेंस से। तो एंट्रेंस करते ही तो जहां पर जो किचन थी ना, अगर आपने नोटिस करो, सॉरी मैं डायरेक्शन मेंशन कर देता हूं, तो ये वाली जो डायरेक्शन थी ये थी आपकी नॉर्थ, ये थी ईस्ट, ये वेस्ट थी और ये आपका साउथ हो गई। तो हमने क्या करा, यहां पर जहां पर ड्राइंग रूम था ना, इस वाली किचन के वॉल हटा करके किचन को ले गए फ्रंट पे। तो किचन आपकी बड़ी हो गई 10 फीट बाय लगभग 14 फीट के, और यहां पर ब्रेकफास्ट काउंटर आ गया, और साउथ ही डायरेक्शन में भी हो गई किचन आपकी। फिर यहां पर एंट्रेंस करते ही ये पोर्शन आ गया आपका सिटिंग पोर्शन, तो यहां से ड्राइंग रूम को खिसका के यहां पर लॉबी कम ड्राइंग रूम यहां पर ले गए, यहां पर टीवी यूनिट आ गया, और सबसे इंपॉर्टेंट बात की यहाँ पर जो कॉमन टॉयलेट बना हुआ था ना उसको कर दिया हमने खत्म। तो उसको खत्म करते ही यहाँ पर आपका नॉर्थ की डायरेक्शन में आ गया आपका पूजा यूनिट, और ड्राइंग रूम को कर दिया यहाँ पर हमने चकोर एकदम, मतलब जो बेडरूम था यहाँ पर, तो बेडरूम को चकोर कर दिया 12 लगभग 12.5 फीट बाय 16.5 फीट का हो गया। यहाँ पे पीछे जो स्पेस बचा इसको हमने बना दिया वॉक इन वार्डरोब जो कि 5.5 फीट बाय लगभग 10 फीट के आसपास थी। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वाला जो टॉयलेट था वो एज इट इज ही था, तो उस पर हमने कुछ काम नहीं किया। तो ये हमने कुछ अल्ट्रेशन करे, तो उम्मीद करते हैं कि इससे जो है आपको कुछ आइडियाज मिले होंगे, कुछ आपको इससे कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो आज की वीडियो में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।